आज हमारे साथ हैं हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनी कुमार शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। तो जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम की फाइट विद कोरोना जो पॉलिसी है बहुत सराहनीय है, जो कि 100% कारगर भी साबित हुई है, क्योंकि सिक्किम भारत में ही नहीं अभी तो विदेशों में भी एक एग्जाम्पल बन चुका है। तो कोरोना से लड़ने के लिए आप लोगों ने कैसे प्लानिंग शुरू की थी? सबसे पहले तो जब भी कोरोना को, जैसे ये महासंक्रमण, जो वैश्विक महासंक्रमण पैंडेमिक के हिसाब से जब डिक्लेयर हो गया, हम लोगों ने उसी टाइम से एक्चुअली इसमें स्टेप चालू करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले ये बात थी कि ह्यूमन टू ह्यूमन जब स्प्रेड हो रहा है तो हमें ह्यूमन टू ह्यूमन जो मूवमेंट है उसको रोकना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सबसे पहले फॉलो किया। और सबसे बड़ा हम लोग के पास संकट था कि क्योंकि हमारे पास लगा हुआ चाइना का बॉर्डर है, जो चाइना का जो पास है, और विशेष करके चाइना का, भूटान का और नेपाल का, तो तीन कंट्री का जो बॉर्डर था, तो सबसे पहला हम लोग का जो कदम था कि हम इस बॉर्डर को सील करें ताकि यहाँ से आवागमन बंद हो जाए। तो वो रिस्क कम करने का, हम रिस्क कटिंग में काम करें, तो पहला स्टेप वो था। दूसरी बात थी कि भाई जो विदेशों से जो लोग आएंगे, क्योंकि ये चाइना से जो शुरू हुआ तो वहाँ से फिर यात्री, वहाँ से जो लोग दूसरे लोग कंट्री में चले गए, वहाँ फिर संक्रमित हो गए लोग, वो संक्रमित हुए लोग फिर वहाँ पर एज अ टूरिस्ट, क्योंकि हमारा ये टूरिस्ट प्रिय स्टेट है, तो टूरिस्ट से ही हमारा रेवेन्यू भी आता है, तो हम भी चाहते टूरिस्ट ज़्यादा आए। तो इस उसमें दौरान क्या हो गया कि बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आए हुए थे पहले 1 जनवरी के करीब, तो हम लोग उन लोगों को ट्रेस कर रहे थे कि कौन कौन आ रहे हैं। और विशेष करके हम लोगों ने जब ऑनलाइन परमिट को जब बंद कर दिया तो हम उसमें लगे रहे थे कि भाई कितने टूरिस्ट यहाँ पर फंसे हुए इंटरनेशनल, तो धीरे धीरे करके उन लोगों का जब ऑनलाइन परमिट बंद हो गया तो वो लोग धीरे धीरे यहाँ से निकल गए। तो ये दूसरा स्टेप था, दूसरा स्टेप था। और तीसरा स्टेप क्या था कि हम लोगों ने सबसे पहले से ही हमने लोगों को जैसे आग्रह किया कि नहीं, आप घर से बाहर ना निकलें, अपने घर में सीमित रहें और अननेसरी ट्रैवल, अनावश्यक ट्रैवल ना करें। तो इसमें जो लोगों ने अपने आप उठ के जो संयम, जो धैर्यता और जो अनुशासन दिखाया वो अभूतपूर्व है, वो बिल्कुल सराहनीय, वही चीज़ है, वो सच में बता रहा हूँ, सेकेंड टू नन है। इसी के कारण, बिकॉज ये लोगों का जो पार्टिसिपेशन है एकदम भीतर से, जो लोग ने पार्टिसिपेट किया उन लोगों को लगा कि नहीं, सरकार जो कर रही है वो हमारे लिए कर रही है, और सरकार जो कर रही है, जो स्टेप्स ले रही है, जो हमारे वेलफेयर के लिए ले रही है, हमारे सिक्योरिटी के लिए रही है, और हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम भी उसी उसमें जाएं। तो हाँ, तो यही चीज़ हुआ सबसे बड़ा सक्सेस का, अगर मूल स्टोरी अगर चाहेंगे तो यही चीज़ है। तो सर, कितने तरह के क्वारंटाइन? नहीं, इसमें इसमें फैसिलिटी क्वारंटाइन है, होम क्वारंटाइन है, और विशेष करके पहले पहले स्टेप में जो हो रहा था कि भाई एक्टिव केसेस नहीं थे तो होम क्वारंटाइन से भी काम चल रहा था, जो जहाँ पर जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं, वो लोग जब आ रहे थे चल रहे थे। लेकिन स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन फिर एक बार क्या हो गया कि हमारे जो स्ट्रैंडेड लोग जो बाहर हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो तीर्थ यात्रा में गए हैं, जो या और दूसरे काम से भी डिफरेंट स्टेट में गए और वहाँ पर वो फंसे हुए थे, तो उन लोगों को वापस स्टेट में लाने के लिए ये अभी मूवमेंट चल रहा है। भारत सरकार के कारण ये संभव हुआ है, बहुत सारे स्टेट से कोऑपरेशन मिला हम लोगों को, तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी तक उन लोगों को ला के अभी हमने जो अभी अभी जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है, वो जो बैक लाने का, उसमें हम लोगों ने मैंडेटरी हमारे स्टेट में किया है कि हम आप आ जाओ, पहले फैसिलिटी क्वारंटाइन में आप रहोगे, ओके। तो फैसिलिटी क्वारंटाइन में भी कोई अगर पे करके फैसिलिटी में रहना चाहता है उनके लिए भी व्यवस्था किया है, और ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा भी कई सारे जगह पे आइडेंटिफाइड हैं, एकदम फैसिलिटेटेड क्वारंटाइन है, वहाँ पर रह सकते हैं, और वहाँ पर आप आओ, फिर उसके बाद में वहाँ पर आप ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आप टेस्ट करो, आपका नेगेटिव साबित हो गया, फिर आप उसके बाद में होम क्वारंटाइन में चले जाओ। तो होम क्वारंटाइन कितने दिन का है? 14 डेज में, बिकॉज क्योंकि अब क्वारंटाइन तो जैसे आएंगे तो जो लोग टेस्टेड हो गए उसके बाद में वो लोग होम क्वारंटाइन चले जाएंगे, तो फैसिलिटी क्वारंटाइन क्रमिक रूप में खाली होते जाएगा, फिर नए लोग आएंगे, नए लोग भी वही सिस्टम फॉलो करेंगे। तो इससे हम चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छे स्क्रीनिंग करें, हम चाहते हैं कि लोगों के सेफ्टी के ऊपर कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं क्वारंटाइन के क्षेत्र में। और विशेष करके हमारा एक सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट जो था कि हमारे
स्टेट में अपने आप में यहाँ पर एक वायरल लेबोरेटरी नहीं था या यहाँ पर परमानेंट स्टेट टेस्टिंग का फैसिलिटी नहीं था कोरोना के लिए, तो वो तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। आज से हम लोगों ने एक वायरल लेबोरेटरी स्थापित किया देश स्टेट में, तो ये बहुत अच्छा स्टेप हो गया। अब हम लोगों को बाहर ज़्यादा सैंपल भेजना नहीं पड़ेगा, नहीं तो हमें अभी जैसे ट्रू नेट के थ्रू से कुछ टेस्टिंग यहाँ पर लोकली कर रहे थे और कुछ टेस्टिंग हम बाहर नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में भेज के कर रहे थे, तो उन लोग का भी अपना स्ट्रेस था क्योंकि उन लोग भी लोकल टेस्टिंग सैंपल जो है पुल बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसके कारण टेस्टिंग में डिले हो रही थी। जैसे एक रिपोर्ट 5-6 दिन का टाइम लग रहा था, तो अब वो नहीं होगा क्योंकि वो बैकलॉग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और हमारे अपने स्टेट में हो गया तो अब वो दिक्कत भी नहीं आएगी, तो एकदम बिल्कुल अब स्मूथ चलेगा, इस तरह से ही जाएंगे। और एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से जो गाइडलाइंस चला रहे हैं, जो चीज़ बोलेंगे हम उसी तरह से करते रहेंगे। और विशेष करके इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के लोग बहुत काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर बहुत काम कर रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी उसी तरह से काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, पुलिसकर्मी कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन के लिए जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो लोग उतने ही काम कर रहे हैं, चेक पोस्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उतने भी दिन रात कर रहे हैं। तो लेकिन अगर पब्लिक खुल के पार्टिसिपेट ना करे इस चीज़ में तो फिर दिक्कत हो जाती थी, तो यहाँ पर वो चीज़ एकदम बहुत ज़्यादा संभव हो गया क्योंकि सारा यूनिट जो है अच्छे से काम कर रहा है। इसीलिए सर जैसे कितने लोग अप्रोच भी करते हैं कि हम एकदम ठीक हैं, जो सिलीगुड़ी में है या बाहर के लोग हैं, कि नहीं हमें क्वारंटाइन नहीं चाहिए, तो उन्हें समझाने में कितनी परेशानी आती है? नहीं नहीं उन्हें समझना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर लोग बहुत विजिलेंट हैं, ऐसे नहीं है वो आ गए और कोई भिजले विलेज में चले गए कहीं चले गए, नहीं, लोग विजिलेंट हैं, उनको एकदम तुरंत इन्फॉर्म करते हैं और हम लोगों का केयर करते हैं। इसीलिए और एक्चुअली क्या है कि अगर उसको काउंसलिंग किया जाए, है ना, आते वक्त अगर उसको ठीक से काउंसलिंग और एग्जैक्ट मैसेज दिया जाए कि नहीं ये आपके लिए भी प्रॉब्लम है और सोसाइटी के लिए भी प्रॉब्लम है, तो आपको ये सिस्टम से चलना है, तो इसमें कोई सिस्टम आप कोई बाईपास नहीं कर सकते, तो ऐसा करने पर समझ जाएंगे ना, बिकॉज वो चीज़ें महामारी है, महासंक्रमण है, तो हम उनको भी तो बचाना चाहते हैं, उनके फैमिली जो आ रहे हैं उनको भी तो हम बचाना चाहते हैं। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से और राज्यों को आप क्या अपील करना चाहेंगे कि जितना यहाँ पे क्वारंटाइन का लोग पालन कर रहे हैं, आप लोग भी एकदम स्ट्रिक्टली उनको बोल रहे हैं कि क्वारंटाइन में रहना ही पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे राज्यों में तो ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, सही बात ऐसे है कि लोगों को आग्रह करना चाहिए, लेकिन राज्य के लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, सबको एक साथ जुट के काम करना पड़ेगा, सबको इसका समझना पड़ेगा इम्पोर्टेंस कि ये जो पैंडेमिक है और इतना इन्फेक्शस है, इतना ज़्यादा जल्दी फैल रहा है, ये इतना ज़ोर से फैलता है। अभी देख लीजिए लॉकडाउन के बावजूद भी हमारा रेट तो बढ़ ही रहा है ना, तो इसमें हमको एक एक व्यक्ति को हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा, मेरा जिम्मेदारी क्या है, मुझे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, मुझे अपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, और इस समय में जितना हो सके हम घर में रह के काम कर सके ये वाला चीज़ हमको फॉलो करना पड़ेगा, विशेष करके बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग। इस तो एडवाइजरी भी जारी किया हुआ, लेकिन एडवाइजरी जारी करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इस जागरण को आगे लेके जाना है, लोगों तक लेके जाना है। आप लोगों के माध्यम से मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस जागरण को, तो जागरूकता बढ़ाने के लिए आप लोग कहें कि भाई बुजुर्ग लोग जो हैं, जो मोर देन 65 इयर्स के ओल्ड जो लोग हैं, उन लोगों को घर में ही रहना ठीक रहेगा, सेफ रहेगा, है ना, और उनके भी आप में अगर कोई भी चीज़ हो तो और सोसाइटी के लोग, आसपास के लोग उनको कोऑपरेट करें ताकि वो भी बाज़ार में जाएं, कुछ चीज़ उन लोगों के लिए ला दें। ये सोसाइटी में हम लोग को कोऑपरेशन करके चलना है ताकि जो वल्नरेबल ग्रुप है, जो ऑलरेडी और दूसरे बीमार से, जैसे कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में, वो लोग जो बीमार है, जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, जो बच्चे लोग हैं, इन लोगों को हम कैसे सोसाइटी में बचा के रखें, कैसे ज़्यादा एक्सपोजर ना कराएं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें मतलब ये 2-4 दिन का बात नहीं है, कोरोना का जो बीमारी है ये आगे भी चलने वाला है, इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो हम लोगों को कोरोना का लड़ाई के साथ ही इस कोरोना के साथ जीना है और कोरोना हमें कम से कम डैमेज करे ये देखना है। तो इसके लिए लोगों को अपने आप जागरूकता, मैंने जैसे बताया कि ऐसे करना है, सोसाइटी को भी कोऑपरेट करना है, वो वल्नरेबल ग्रुप को जैसे हम लोग एक्सपोजर न कराएं, कैसे उनको सेफ्टी में रखें, प्रिकॉशन में रखें, ये एक तरह का अलग लॉकडाउन है, समझ लीजिए। अब जो ऑफिशियल लॉकडाउन, ये लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन ये तो है, लेकिन अब सोसाइटी को अपने आप
आगे आके हर एक व्यक्ति को, जैसे जो वल्नरेबल ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जो वल्नरेबल ग्रुप नहीं है उनको भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि जीवन तो यापन करना है ना, अब आपने प्रोग्रेस भी तो करना है, काम भी करना है, नौकरी भी करना है, हर एक ड्यूटी भी करना है, साथ में सोशल ड्यूटी इस तरह से कि हर एक आदमी जो है दूसरे को जागरूक करे कि हम कैसे बच सकते हैं, हम लोग हमारा पटरी पर जिंदगी चलना भी चाहिए, साथ में सुरक्षा के साथ चलना चाहिए। और ये प्रिकॉशंस अगर लेंगे ना, ये सिंपल प्रिकॉशन है, अगर हम कोरोना को हमारे बॉडी में आने ही नहीं देंगे तो कोरोना का सवाल ही नहीं है। तो ये मास्क पहनना अनिवार्य करना चाहिए, चाहे वो मास्क मेडिकली मेड मास्क हो या अपने घर में जो कपड़े से, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे आग्रह किया इस तरह से है ना, हम लोग पहने हुए, देखिए हमारे लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से मैंने मास्क पहना है, आप देखिए। अब इसी तरह से आप फैशन के हिसाब से अपने बना के आराम से पहन सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, है ना। इसको मजबूरी ना समझे, इसको आप जबरदस्ती थोपा हुआ चीज़ ना समझे, अब इसको सोचें, आप एक तरह से सोचें कि नहीं ये मेरा जीवन का पार्ट होगा, इसके बिना नहीं। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं कपड़ा पहनता हूँ उसी तरह से एक मास्क भी पहन लूँगा, और क्यों नहीं, इसको सारा मतलब मजबूरी ना बना के इसको हम इंजॉय करें, मास्क पहनना भी हम इंजॉय करें, एज पर कपड़े का ड्रेस के हिसाब से पहन ली, लेकिन हम इंजॉय करें, अब इसको मजबूरी ना समझें, यही चीज़ है ज़रूरी। अब हम हर टाइम समझेंगे कि नहीं हमारे ऊपर थोपा हुआ चीज़ है, हम इसको नहीं करेंगे, इस मोड में जाएंगे तो हम सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन अगर हम इसको समझे कि नहीं चलो ये भी एक नया चीज़ हो गया, ये अपॉर्चुनिटी मिल गया हमें मास्क पहनने का, चलो हम पहन के देखते हैं चलते हैं, और हमारे बच्चों को सिखाएं विशेष करके, क्योंकि अब इस तरह के हम जो अब इस दुनिया जो जिसमें जी रहे हैं कि ये अनसर्टेनिटी है सब सारा, कोई सर्टन निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है। अब कल आज कोरोना आ गया, कल और दूसरा कुछ भी आ सकता है, तो इस तरह से हमको कल्चर्ड वे में किस तरह से हम जी सकते हैं, हम लोग को जापान से सीखना चाहिए। देखिए जापान के लोग बाई वे ऑफ कल्चर ही वो अपने मास्क पहनते हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो खुश है, वो चल रहे, तो इसीलिए ये संक्रमण से भी वो जल्दी उसको निपट पाए हैं। वहाँ के बच्चे लोग को देख लिए, बुजुर्ग लोग को देखिए, सब लोग पहन के चलते हैं, तो इसी तरह का वातावरण हमें भी यहाँ पर तैयार करना है, तो हम लड़ सकेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं हो हमारे ऊपर, यहाँ पर कोई क्षति भी नहीं होगा, और हम आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि लंबा समय तक ये चलेगा, तो इस तरह से चलते चलते वो बीमारी यहाँ से गायब हो जाएगा। हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए, हर एक देशवासी का यही उद्देश्य होना चाहिए। तो जैसा कि सर और राज्यों में क्वारंटाइन प्राय होम क्वारंटाइन देते हैं जी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि होम क्वारंटाइन तो यह है कि अगर वो कोरोना से संक्रमित हैं तो अपने परिवार को आसपास के लोगों को भी संक्रमण फैला रहे हैं। जी जी जी। और हम इस चीज का सिक्किम वासी इस चीज का पूरा पालन कर रहे हैं। जी जी। आप लोग भी गवर्नमेंट भी पूरा सहयोग दे रही है, तो उसके बारे में क्या कहना। नहीं उसमें भी ऐसे देखिए, अभी कई राज्यों का तो अपना कंपल्सन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोग, जैसे अब बिहार का हालत देखिए, अब लाख लाख लोग, कितने लोग लाख आ रहे हैं, अब उसको आप फैसिलिटी क्वारंटाइन कितना दे सकते हैं, तो ये तो एक तरह का कंपल्सन भी हो गया ना, पॉपुलेशन वाइज कंपल्सन भी हो गया, वो क्या करें। तो और सबसे इसीलिए मॉनिटर करना, अगर होम क्वारंटाइन में कोई जाता है और वो घर आइडेंटिफाइड हो गया कि नहीं इसमें होम क्वारंटाइन है, और आसपास के लोग भी उसी तरह से कोऑपरेट करें, मिक्सअप ना करें, और जो फैमिली का मेंबर है वो मेंबर जो क्वारंटाइन मेंबर है उसको भी उसको संयम रखना पड़ेगा, दूसरे लोगों को भी भाई संयम रखना, दर्जता रखना पड़ेगा इसमें इसीलिए तो एक एक आदमी को जागरूक होना है, क्योंकि सरकार की भी अपनी अपनी मजबूरी हो सकती है कि ये ज़रूरी नहीं कि सब फैसिलिटी क्वारंटाइन में रख दें, स्क्रीन करें और हर एक को टेस्ट करें, ये भी संभव नहीं है। अब लाख लाख लोग हैं, इतने सारे टेस्ट किट कहाँ से आएंगे, और इतने सारे टेस्ट कर से कर पाएंगे, ऑलरेडी ओवरवर्क्ड है ना हेल्थ केयर वर्कर, जो लेबोरेटरी में जो लोग हैं काम कर रहे हैं उनका भी तो एक ओवरवर्क हो गया ना, क्या करेगा वो लोग, और इसका भी एक टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसे फट से डाला हो गया ऐसा तो है ही नहीं, एक बार एक बैच जो टेस्ट करने अगर डालेंगे तो उसको निकलने में 6-7 घंटा लगता है आरटीपीसीआर में, तो नेचुरली ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। तो राज्यों ने अपने अपनी स्ट्रैटेजी है, ये अपने अपनी स्ट्रैटेजी, लेकिन उसको उन लोगों को एक ही चीज़ हम मतलब ये करना चाहते हैं कि जहाँ पर होम क्वारंटाइन रखें वो अच्छे तरह से विजिलेंस रखें, उसमें सर्विलेंस रखें, उसमें नज़र रखें,
ऑब्जर्व करें कि वो लोग उस चीज़ को सही ढंग से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि होम क्वारंटाइन में बैठ के अगर सच में फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। दूसरे मेंबर के साथ अगर वो मतलब मिक्सअप नहीं करते हैं, अपने रूम में सीमित रहते हैं, अपना एक प्रॉपर बाथरूम यूज़ करते हैं, तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर वो एक्टिव कल निकलता भी केस है तो वो तो एक ही आदमी संक्रमित हुआ ना। अगर वो मिक्सअप नहीं करता है, अपना डिस्टेंस मेंटेन करता है और आसपास के लोग ये ना समझे कि भाई वो मतलब कहीं उससे साथ मिले नहीं, तो दिक्कत है ही नहीं। वो भी एक लेकिन उसमें इच्छा शक्ति जबरदस्त होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, हम इसको करेंगे, लड़ेंगे हम। ठीक है, हमारे मेंबर, हमारे फैमिली मेंबर कोई बाहर से आया, हम उसको रखेंगे अपने घर में रखेंगे, लेकिन उसको बिल्कुल मिक्सअप नहीं करके एक अलग नियमान के तरह वो अपने रूम में रहेगा, वो अपना बाथरूम यूज़ करेगा। इस तरह से अगर वो इतना दिन कटा देगा तो क्या दिक्कत है, वो तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यही है, विजिलेंस ज़्यादा चाहिए इसमें। तो ऐसे में जो डॉक्टर हमारी सेवा कर रहे हैं उनके लिए कितनी सुविधा है, जैसे उनको कोरोना से बचने के लिए? नहीं, वो तो अपने जो भी जैसे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं वो उनको लगाना पड़ेगा, वो पहनना पड़ेगा, और जहाँ जैसा प्रिकॉशन है, गाइडलाइंस है ना, एज पर गाइडलाइंस, आप गाइडलाइंस से बाहर नहीं जा सकते, आप अपना रूल नहीं बना सकते, एज पर गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दिया हुआ है उनको प्रोटेक्शन के लिए भी, आप ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा करना ऐसा न करना, डूज एंड डोंट्स ये सारा बताया हुआ है, तो उसी हिसाब से चलते रहेंगे। काम तो कोई नया नहीं है ना, इसी चीज़ को ठीक से फॉलो करें, जो काम कर रहे हैं फ्रंटलाइन वर्कर वो भी अपने जो गाइडलाइंस के अनुसार काम करें, लोग भी जागरूक होकर उनको जितना कहा गया है उतना चीज़ वो करते जाएं, उतना प्रोटेक्शन करें, उतने सारे बाजार में अननेसरी भीड़ ना करें, है ना, अपने घरों तक सीमित रह के अपना काम चलाएं जितना हो सके। अगर बाहर निकलना भी हो तो सोशल डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन करके, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके, मास्क अनिवार्य पहन के इस तरह से निकले तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसी से यही तो लड़ाई यही है एक्चुअली। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, मैसेज तो यही है कि सब अभी ये जो समय है ये लंबा चलने वाला है। अभी तक हम कह रहे थे कि नहीं लॉकडाउन होगा, ये होगा, बहुत लोगों ने ये भी आशा रखा हुआ कि नहीं लॉकडाउन अगर ख़त्म करते हैं तो ये पूरा बीमारी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा चीज़ नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन से हम लोग इस बीमारी को बहुत जल्दी स्प्रेड होके बहुत ज़्यादा करोड़ों में बीमारी होने से हम लोगों ने बचा लिया, ये काम हम लोगों ने कर लिया, स्लो डाउन कर दिया। ओके, डबलिंग रेट भी हमारा अच्छा टारगेट, हम टारगेट से भी ज़्यादा अच्छा हो गया, लेकिन अब आगे का लड़ाई लंबा है। आगे का लड़ाई में यही है कि भाई कोरोना कैसे हारेगा, कोरोना हारेगा अगर हम सोशल डिस्टेंस को प्रॉपर फॉलो करेंगे, पर्सनल हाइजीन को फॉलो करेंगे और मास्क अनिवार्य पहन के बाहर निकलेंगे, कोई भी दूसरे से मिलेंगे हाथ ना मिलाएं, है ना, दूर से ही उनको मतलब नमन करें या नमस्कार करें या जो भी करें अपने हिसाब से, लेकिन इतना अगर इस चीज़ को आगे, क्योंकि लंबा जाने वाला है लड़ाई, इसलिए लड़ाई यही है ना, यही लड़ाई है। ये ना समझे कि हम कोई दवाई खा लेंगे और तुरंत ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये कसब करने का ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या रिस्क है, मेरे कोई रिस्क नहीं है, ऐसा किसी को समझना नहीं चाहिए। हर एक को समझना चाहिए कि नहीं, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के शरीर में जीवाणु जा सकता है, तो इसको रोकने का तरीका तो यही हो गया, तो जो तरीका इसको फॉलो करें, तो इसीलिए सबको मैं मतलब इसी जगह पे जागरूक होके उठ के सबको अब इस कल्चर में, इस कल्चर को एडॉप्ट करना चाहिए। अब ये हमें बाय वे ऑफ कल्चर ये चीज़ आगे जाना चाहिए, आगे का जनरेशन में भी जाना चाहिए, हमारे बच्चों को भी हमें ये चीज़ सिखाएं, हम करें। अब आगे धीरे धीरे स्कूल खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, तो हमारे बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ेगा ना दुनिया से, क्योंकि वहाँ पर जाके अगर ये चीज़ ना फॉलो कर पाए तो वही फिर वहाँ पर संक्रमण हो जाएगा, वहाँ पर तो कॉमन लोग बहुत सारे लोग आएंगे, है ना, तो वही घर में फिर इन्फेक्शन लेके आएंगे। तो अभी तो यही तो प्रिपेयरनेस का समय है, यही तो हम तत्परता हम दिखाएंगे, हम हमारा तैयारी दिखाएंगे, हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। मैंने जब बताया ना कि ये वे ऑफ लिविंग हो गया अभी, तो इसको आगे जाएगा, मैं मुझे लगता है ये हमारे अब आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी ये एक शिक्षा हो जाएगी। हम लोगों ने ये सिचुएशन को फेस किया, हम लोगों ने अपना तैयारी बनाया, हम लोगों ने अब सोच लिया कि किस तरह से आगे ज़िंदगी जिएंगे, अब इसी ज़िंदगी जीने का जो तरीका जो बनेगा, इसको हम आगे का जनरेशन को भी ये मैसेज को फॉलो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो यही हम लोगों को सबको सीखना है और सिखाना भी है। धन्यवाद। थैंक यू।
आपके विजुअल एडवर्टाइजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। 100% आयुर्वेदिक दमा दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा दमन सिरप, दमा दमन चूर्ण, दमा दमन हर्बराज हर्बल टी जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597380।